चल भाई। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि बाथरूम में 12-18 की, मान लो मेरे पास 12-18 की ये टाइल बाथरूम में लगानी है, ठीक है, तो इसको हम चाल कैसे बांधते हैं। आप किसी को मत सुनो, अपना अपना दिमाग लड़ाओ, ठीक है। बहुत आएंगे ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, किसी का मत सुनो, अपना दिमाग में जो आता है वो करो। अब आपको बताता हूँ कि चाल कैसे बनाते हैं। ना कहीं पर लेवल करने की जरूरत है, ना ही कुछ कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपको सीधा सिंपल। लेकिन आप अगर नया नया हो तो आपको पहले एक बार लेवल, एक बार यहाँ से लेवल, एक बार वहाँ पर लेवल करके एक बार डोरी को छांट लेना है। अगर आप नया नया हो तो, अगर आप थोड़ा सा पुराना हो अगर आप तो आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा पुराना, ज़्यादा ज़्यादा पुराना नहीं समझो, ये नया है तो भी कर पाएगा। नया अगर आप हो, नया नया टाइल लगाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। सबसे पहले ऐसा टाइल लो और दीवार पहले एक बार चेक कर लेना साहुल में है कि नहीं, एक बार साहुल चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो टाइल लेने से पहले एक बार ये तीर देखो, ये तीर देख दिख रहा है, ये निशान टाइल में एक निशान होता है, ठीक है। ये निशान पूरा एक ही साइड करना है, मान लो ये इस साइड करेंगे तो ऐसा रखो और सबसे नीचे में सीमेंट लो, ठीक है। और सीमेंट में याद रखना, जितना कम सीमेंट रखोगे उतना बेस्ट है। आप कोशिश करना कि कम से कम सीमेंट यूज करो, ठीक है। मतलब मोटा सीमेंट रहेगा तो पकड़ कम होगा, तो कोशिश करना कि हर जगह टाइल में सीमेंट रहे, खाली नहीं रखना। मान लो मेरे पास यहाँ पे लगा दिया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा तीर इधर था तो ये कोई नहीं, एक बार सिर्फ देख लेना कि कहीं अड़ेगा तो नहीं, ऐसा लो तो हट गया। और दीवार में ऐसा पहले ठोको, ऐसा ठोकोगे फिर एक बार साहुल चेक करने के लिए ये भी चेक कर लेना, ये भी आपको होना चाहिए पूरा लेवल, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद ये से चेक करो, ये से मैं लेवल रखना है आपको। मान लो ये लेवल हो गया, ठीक है। ये लेवल हो गया और इसमें थोड़ा सा अब सूखा सीमेंट डाल देंगे, और एक बार फिर से रख के देखना, तो पूरा परफेक्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये देखो एकदम पूरा ये लेवल रखेगा ताकि ये पूरा बाथरूम आपका टाइल एकदम चलिया आपका पूरा अच्छा से बनेगा। लोग बोलते हैं चलिया कैसे बांधते हैं, आपको देखो चाल बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अब जमीन से देखो कितना ऊपर रखना है, मान लो ये जमीन है, जमीन से ऊपर पूरा लेवल करो, फिर उसके बाद फर्श बाद में लगाना। कोई बोलता है फर्श पहले लगाना, नहीं फर्श बाद में लगाना। अब ये हो गया, अब देखते हैं दूसरा टाइल, फिर ऐसा लगो, फिर ये साफ करो, एक टाइल पकड़ो, टाइल में ये निशान देख लो एक बार, यहाँ पे चाहो तो आप भिड़ा के देख सकते हो, आपको इसमें ध्यान देना, आपको डरने की कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि कहीं गैप रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आप सीमेंट सही से, पहले आपको सीमेंट सही से और लगाते समय आपको डरना नहीं है, पहला बात। ऐसा सीमेंट लगाओगे तो आपका गैप नहीं रहेगा टाइल में, टाइल बजने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो हम ऐसे लगाते हैं ताकि लगाते हैं ठोकते हैं इधर उधर सब फैल जाता है, और इतना दूसरा एक लगाओगे दूसरा लगाओगे इतना ऊपर रखना, ठीक है, ऊपर रखोगे तो उसको ठोकना ताकि नीचे ना जाए। अब इतना हो गया, अब इसको नीचे धीरे धीरे करके इसमें आप सूखा सीमेंट दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर ही रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर रखोगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा देर पानी इसमें अंदर जाने के बाद अब बराबर इसको कर सकते हो, ये बराबर हो गया, अब ये दोनों कंप्लीट है। कंप्लीट के बाद एक बार चेक करना जरूरी है, ऐसा एक बार चेक करना, देखो पूरा एकदम फिक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एक बार चेक करना जरूरी है। हमारा कैमरामैन जो है इसका बदनसीब है, इसका पता नहीं, लोग मेरे पास फोन करते हैं भाई कैसे काम सीखना है, लेकिन मेरे पास जो रहता है
वो कभी सीखने में ध्यान देता नहीं, ये हमारे कैमरामैन का गलती है। टाइम लो तो फिर से वही रिपीट करो, चेक करना भाई, चेक कर लेना, कोई बात नहीं। हम अब तो चेक नहीं करते हैं, फिर भी जाएगा बराबर, क्योंकि सीमेंट सबसे मेन इसमें काम है भाई। एक चीज, अगर आप सीमेंट सही तरीके से अगर टाइल में लगा लोगे, सबसे मेन काम यही है, सीमेंट में टाइल लगा, टाइल में सीमेंट लगाना, टाइल में सीमेंट लगाने का अंदाज होना चाहिए, ठीक है। ये कोई माप तोल के नहीं लगाते, ये अंदाज से लगाते हैं, तो यही सबसे जरूरी है। तो ऐसे लगाकर तैयार हो गया भाई लोग ये बाथरूम, जैसा कि आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से टाइल लगाते हैं, और फिनिशिंग चेक करो जरा, कहीं पे भी लगाना आपको शावर के पास ही, ऐसा अगर बोले तो शावर के पास ही ये डिजाइन डालना, ठीक है। बाकी बीच हो, सेंटर हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, जब जहाँ पे आपको शावर लगेगा शावर के पास ही लेना। वीडियो देखकर अगर कुछ मजा आया और सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।